तो देखिए जो वीडियो है ये रिलेटेड है लिफ्ट के जो हमारे गाटर लगते हैं, ठीक है, कोने लिफ्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है गाटर की वो किस तरीके से होती है, और उसके जो गाटर के ऊपर जो हुक है, जो रिंग्स हैं, वो किस तरीके से वेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल वीडियो उसी के लिए बनाई गई है, ठीक है। अभी जो हमारी लिफ्ट की जो चौड़ाई है वो है अभी हमारी 1530 इस वॉल से लेकर इस वॉल तक। बट अब हमारे जो गाटर है उसका जो साइज़ होगा करीबन, आप याद रखना, जैसे कि मान लीजिए गाटर तीन गाटर हैंगे होने, एक दो तीन, ठीक है, मैं आपको ड्राइंग में दिखा दूंगा वो क्या उसकी प्लेसमेंट है। तो करीबन आपका गाटर जो है 6 से 7 इंच इधर और 7 इंच इधर ये रेस्ट करना चाहिए, ये 9 इंच जो ओवल है हमारी इस पर रेस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इस टाइप का ये गाटर होता है, ठीक है, मैं आपको नीचे ले जाके अभी रिंग दिखा देता हूँ इस पर किस तरीके से वेल्ड होना है। तो देखिए जो हमारा गाटर है वो इस टाइप का है, इसकी जो विड्थ है वो 3 इंची है, जो इसकी हाइट है वो 6 इंची है, ठीक है। इस टाइप का गाटर जो वहाँ पर हैंग होगा, ठीक है। अब मैं आपको रिंग एक बार प्लेसमेंट बता देता हूँ कि किस टाइप के रिंग बनाए जाते हैं। देखिए इस टाइप का ये रिंग होता है, ठीक है, ये 20 mm इससे सरिए का है, ठीक है। जो ये यहाँ से इसको अगर आप चेक करेंगे यहाँ से 6 इंची आएगा, एक बार चेक कर देना, ठीक है। ये देखिए इसकी जो प्लेसमेंट है ये अंदर यहाँ से 6 इंची है, और जिसकी वाली विड्थ है ये 3 इंचीज है, ठीक है। तो अभी ये चेक कर लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा गैप है, ये वाला गैप, यहाँ पर पत्तियाँ आएंगी, मैं अभी इसके आगे आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो गाटर का साइज़ है यहाँ से 1830 है पूरा, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारे शाफ्ट का साइज़ है वो 1530 है, तो यहाँ से लेके देखें यहाँ तक हमने इसको डिवाइड कर दिया 1530 सेंटर करके, ठीक है। इसे सेंटर कैसे किया गया, टोटल को डिवाइड किया है, उसके बाद सेंटर लगाया, सेंटर से फिर 1530 जो है वो 765 इधर और 765 इधर कर दिया। बाकी की जो बची जगह है हमारी, जैसे ये वाली 6 इंची 7 इंची जो भी बच रहा है एक्स्ट्रा गार्डर, और इस साइड से ये वॉल पर रेस्ट कर जाएगा गड्ढे होके, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ रिंग की प्लेसमेंट कैसे हैं। तो देखिए इस तरह की पत्ती है, ये 5 mm की है, ठीक है, ये इस तरीके से आती है और यहाँ पे ये जगह ऐसे लग जाएगी और इसमें वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, अभी इसमें यहाँ पर भी दो सरी आएंगे क्योंकि वेल्ड हो जाएंगे। तो देखिए जो रिंग की प्लेसमेंट है और गार्टर की प्लेसमेंट है वो इस तरीके से हो चुकी है। यहाँ जो हमने ये गड्ढे काटे एक हाफ से प्लस दीवार में कटे हुए हैं, जिसके ऊपर की गार्टर रेस्ट किया हुआ है हमारा, ठीक है। 3 गार्टर है यहाँ पर, और इसकी रिंग की प्लेसमेंट थी जो यहाँ पर इस तरीके से आई हुई है। अब इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इस वाली वॉल से चेक कर कर यहाँ से की गई हैं। जैसे ये पहला रिंग है, ठीक है, तो इस वाली वॉल से ये वाला रिंग का जो ये वाला गाटर का सेंटर है, ठीक है, वो 755 है, ठीक है। फिर इस वाले गाटर से अगले गाटर का 365 है, यहाँ से इस गाटर का ये दिख रहा है, ये जो सेंटर है यहाँ से 365, ठीक है। तो ये वाला गाटर इस तरीके से है, और जो लास्ट वाला गाटर है वो हमारा तीसरा गाटर है, ये यहाँ से 325 है। तो इस तरीके से होल कर दिया, इसके बाद हम इसको ही जाम कर देंगे। ये लटक यहाँ की रिंग की यहाँ से यहाँ तक 6 इंची है, जैसे कि ड्राइंग में डिमेंशन की हुई है, ठीक है। और पत्ती यहाँ पर वेल्ड हो रखी हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम कंक्रीट से इसको जाम कर देंगे, ठीक है। बस यही वर्क था रिंग का।